रीत न जाने जग की कोई रीत न जाने। गुड मॉर्निंग, और हम इसी के साथ नाश्ता करते हुए और ये हमारी चाय आती हुई गर्मा गर्म और आलू गोभी के पराठे के साथ नाश्ता। जब नजर आए ये टाबो गांव, और ये टाबो गांव के अंदर ये मोनेस्ट्री बनी हुई है, और ये एक विलेज है टाबो विलेज। अभी आपको दिखाता हूँ मैं अंदर का व्यू। ये पूरा व्यू है, यहाँ से रास्ता बना हुआ जाने के लिए मोनेस्ट्री के अंदर। ये आपको मैंने गेट तो दिखा ही चुका हूँ पहले। हम मोनेस्ट्री में पहुंच चुके हैं और आपको अंदर की ब्यूटी दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सामने, वो शूतिन करके एक नाम बताया हमें कि शूतिन है ये टाबो के अंदर। ये टेंपल है जो बहुत ही खूबसूरत है देखने में। जब कभी आएँ टाबो में, आप स्टे लें, स्टे के बिल्कुल ही आपके होटल के बाजू में सारे ये टेम्पल बना हुआ है बहुत मस्त, और इसकी आप ब्यूटी देख ही रहे हैं। बहुत खूबसूरत फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह आई हैं यहाँ पर जो हम और आपको दिखाएंगे। टाबो गांव से हम निकल चुके हैं काजा के लिए। काजा मेरे काजा, दिल में समाजा। देखते हैं हम कि काजा जाने में क्या टाइम लगता है। वैसे तो दिखा रहा है 1:30 बजे करीबन, गूगल हमारा तो 1:30 बजे करीबन दिखा रहा है, लेकिन हम 1:30 बजे तक पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे लोग, हमने भी सब ड्राइवर से पूछा है, जो टैक्सी ड्राइवर थे वो बता रहे रोड ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखते हैं हम कितने तक पहुँचते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। सुंदर वो हसीना, बड़ी सुंदर सुंदर, तुम देखा मुझे हुआ मैं पागल। एक दिन उसे भुला दूंगा, उसके शाम मिटा दूंगा। सुंदर सुंदर वो हसीना, बड़ी सुंदर सुंदर, मन खोने लगा उसके नशे में। दिन भी है बहका, एक दिन उसे बुला दूंगा मैं, उसके निशान मिटा दूंगा।
काजा विलेज के अंदर पेट्रोल पंप है जो इतनी हाइट पे है। इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है 200 किलोमीटर तक, तो इसलिए हम यहाँ से अपना टैंक फुल कराएंगे। गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं अपनी, और यहाँ पे आप ये ध्यान में रखें यहाँ पे कैश ही पेट्रोल डलता है, ऑनलाइन सर्विस नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग ये देख के रहें। ये 2200 रुपए का हमारा तेल आया इसके अंदर। ये हम काजा ब्रिज से निकल के और काफी दूर का सफर तय करके और कठिनाइयों के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं, और ये हमारा लांगसा है, लांगसा विलेज, और लांगसा विलेज के अंदर ये बुद्धा स्टैचू है जो 1000 साल पुराना है और जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर हम कुछ वॉइस नहीं दे सकते थे इसलिए मैंने बैकग्राउंड वॉइस दे रहा हूँ। और जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये फॉसिल्स हैं, जो फॉसिल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ के अलावा फॉसिल्स अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ का नज़ारा एक अद्भुत है और ये मूर्ति अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत मूर्ति है। आप जो देख ही रहे हैं इसका व्यू कितना अच्छा है देखने में। चीचम ब्रिज, चीचम ब्रिज पे हम लंच करेंगे। लंच करने के लिए हम यहाँ पर रुके हैं इस गाड़ी की बैक साइड पे। ये नितिन भाई और गौरव और धन्नु ये हमारे बना रहे हैं, थोड़ी मैगी और पुलाव बना रहे हैं हम लोग, और थोड़ा नवीन को थकावट हो गई थी तो इसलिए वो गाड़ी में रेस्ट कर रहा है, और हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं लंच की। फिर लंच करने के बाद हम यहाँ से कहाँ निकल रहे हैं नितिन? लंच करने के बाद हम यहाँ से कहाँ निकल रहे हैं भाई? चंद्रताल निकल रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ से बोल रहे हैं कि रास्ता आगे आके बंद है, और चंद्रताल लेक के लिए हमें दोबारा जाने के लिए 10 किलोमीटर हमें बैक जाना पड़ेगा, फिर हमें वहाँ से जाना पड़ेगा चंद्रताल लेक के लिए। लेकिन अभी एक भैया को हमने वहाँ से जो आ रहे थे चंद्रताल लेक की तरफ से रास्ते से, तो हमने उनसे पूछा है तो उन्होंने बताया है कि 5 बजे आपका रास्ता खुल जाएगा, तो आप तक 1 घंटा वेट कर लीजिए, आप 10 किलोमीटर जाओगे उतना ही टाइम आपको वहाँ लग जाएगा। तो हमें हमें पता है कि 1 घंटा तो हमें यहाँ ही वेस्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि खाना खाएंगे हम, लंच करेंगे थोड़ा सा,
तो वहाँ टाइम तो लगेगा ही, तो हम यहाँ पर रुक गए हैं। इसलिए कभी भी थोड़ा सा पूछ लिया लो तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि पहाड़ों का पता नहीं रहता कि गूगल भी अपडेट नहीं रहता कि आगे रास्ता खुला है कि बंद है, तो आपको कोई दिखे तो उससे आप पूछ के तभी आगे की तरफ निकलें। चलो फिर लंच करने के बाद आपसे मिलते हैं चंद्रताल लेक में। बाय बाय। हम चिकन ब्रिज से अब निकल चुके हैं, लंच हमने वहाँ कर लिया था, पुलाव बहुत टेस्टी बनाया हमारे नितिन भाई ने। नवीन की थोड़ी हालत फिर से डाउन हो गई है तो रेस्ट कर रहा था, इसने फोटोज वीडियो बहुत कम ली, अपनी भी ले नहीं पाया है कुछ भी, और हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए चीचम ब्रिज को। अब हम चंद्रताल लेक की तरफ जा रहे हैं। अभी यहाँ पर किसी ने बताया कि यहाँ पर गेट है, वहाँ पूछ लो आप और पूछ के आप जा सकते हो, क्योंकि एक भैया ने हमें वहाँ पहले गाइड किया था कि 5:30 बजे वो खुल जाएगा, तो इसलिए हम पहले 2 किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं चंद्रताल लेक की तरफ। जैसा आपको मैंने बताया था कि आगे रोड बंद है, ये लग रहा है कुछ डिस्टर्बेंस है इधर रोड्स पे। यहाँ पर हमारी चेकिंग हुई है चंद्रताल लेक की ओर जाते हुए। यहाँ से इन्होंने पूछा है कि आप कितने जने हैं और आप कहाँ से आए हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, तो हमने उनको बता दिया है कि हम चंद्रताल लेक की तरफ जा रहे हैं और हम इतने जने हैं। और यहाँ सर ने बताया है कि यहाँ से 2 किलोमीटर बाद आपके कोई नेटवर्क नहीं आएंगे चंद्रताल लेक तक, और चंद्रताल लेक से मनाली तक, मनाली के बाद ही आपको यहाँ नेटवर्क उपलब्ध होंगे, इसलिए आप ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलेंगे। और ये यहाँ के रोड वगैरह भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर पूरा रोड एकदम अजीब से ही है। फाइनली हम चंद्रताल लेक पहुंच चुके हैं। रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। गूगल हमें खाली 2 घंटे दिखा रहा था, लेकिन हमें 3.5-4 घंटे लग गए हैं यहाँ तक पहुँचने में। और कैंप को का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि ठंडा इतना था कि आपको बता सकता मैं, तो अपने हमने यहाँ की जो कैंपिंग थी वो ले ली है, और सब खाना खा के जस्ट अभी हम सोए हैं, और मैं और नितिन अभी जग रहे हैं, तो लास्ट हम एंडिंग कर दें, गुड नाइट। सुबह आपको हम व्यू दिखाते हैं उसका, चंद्रताल लेक का। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।